नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के कार्यालय का शुभारंभ। रामपुर जौनपुर में नेशनल एंटी करप्शन एंड कॉरपोरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के कार्यालय का शुभारंभ किया गया और सोनू गुप्ता को प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी का जिम्मेदारी दिया गया। इस मौके पर संस्थान के पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ दिलाई गई। संगठन के विस्तार करने के लिए चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार सोमवार को रामपुर नगर पंचायत में जौनपुर भदोही मार्ग पर कमलेश गुप्ता मेट्रो साइकिल के यहाँ जिला व मंडल कार्यालय तथा राजेंद्र प्रसाद मिश्रा बौरिया ब्लॉक के व तहसील कार्यालय के शुभारंभ, मुख्य अतिथि नेशनल एंटी करप्शन एंड कॉरपोरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश प्रभारी पंकज जायसवाल ने फीता काटकर किया और सोनू कुमार गुप्ता को प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी का दायित्व दिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के साथ संपूर्ण भारत में भी इस संस्थान को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन जीत भी निश्चित होती है। वाराणसी मंडल के अध्यक्ष कमलेश गुप्ता ने कहा कि लगातार संघर्ष करेंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे, संगठन का विस्तार भी करेंगे। प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी सोनू गुप्ता ने कहा कि कमेटी के माध्यम से हम सब मिलकर भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाएंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सभी शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके उच्च अधिकारियों से मिलकर और पीड़ित जनता के सहयोग से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाएंगे। इस मौके पर कमलेश गुप्ता, वाराणसी मंडल अध्यक्ष मिठाईलाल दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य, स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन राजेंद्र मिश्रा, मोहम्मद आजाद, संजय कुमार वैश्य, रिजनवान अहमद, राकेश कुमार जायसवाल, अभिषेक मौर्य, अशोक सरोज, विनोद सरोज, धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर चंचल कुमार, विजयानंद पांडे, आकाश सोनी, आकाश जायसवाल समेत सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। देखिए रामपुर से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। सर नाम बताइए। मैं कमलेश कुमार गुप्ता जी। अच्छा ये बताइए सर, आप किस पद पे हैं नेशनल एंटी करप्शन में? मैं मंडल अध्यक्ष वाराणसी जी। सर ये बताइए, अपने ये जो नेशनल एंटी करप्शन टीम है, ये किस प्रकार से जनता के बीच में कार्य कर रही है? ये हमारी जो कमेटी है बनाई गई है, ये दबे कुचले गरीबों को जिसको शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिल पा रही, उनको धुतकारा जा रहा है वहाँ से जी, तो हमारी टीम एक्सेप्ट करके उनकी पूरी मदद करने की प्रयास की जाती है। अच्छा सर ये बताइए, आपका नेशनल एंटी करप्शन टीम प्रदेश के कितने जनपदों में कार्य कर रही है? इसमें हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश क्या भारत में सभी जगह काम कर रही है जी। यहाँ भी अपने उत्तर प्रदेश में भी सभी जिलों में है। इससे लोगों को अभी तक लाभ, कितने लोगों को लाभ मिला होगा? इसमें जो भी हमारे यहाँ समस्याएँ आती है जी, उनको जो है मदद देने की पूरी प्रयास की जाती है जी, और प्रशासन से उनको जो भी मदद होना चाहिए कराते। ठीक है सर, धन्यवाद।